करसोग की स्वामाहू पंचायत में महिला मंडल के सराहनीय काम पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने भी उन्हें सलाम किया है। इसके चलते महिला मंडल स्वामाहू की अध्यक्ष द्वारकू देवी को 25 जनवरी को मुंबई साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। इस कार्य में जिला प्रशासन का बेहद महत्वपूर्ण सहयोग व दिशा निर्देश रहे हैं। महिला मंडल स्वामाहू की अध्यक्ष द्वारकू देवी ने बताया कि हाल ही में गाँव पहुँचकर स्वच्छता का संदेश देने वाले कार्यों से संबंधित मंत्रालय ने उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, जहाँ वह अपने क्षेत्र ग्राम पंचायत तथा आसपास के क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा दिए गए कार्यों का उल्लेख करेंगी। यह इस ग्रामीण क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। इन महिलाओं ने लोगों को घर घर पहुंचकर सफाई के लिए जागरूक, जिसके परिणाम सबके सामने हैं। वह पूरा क्षेत्र स्वच्छता का संदेश देश को दे रहा है। क्या क्या रखा हुआ है? एक में जी इसमें ठोस कचरा रखा हुआ है, इसमें जीते तर रखा हुआ है। अच्छा, शौचालय भी है आपके पास? हाँ जी, शौचालय करते हैं उसका यूज? हाँ जी करते हैं। ठीक है, गोबर गाड़ा बना हुआ है? हाँ जी बना हुआ है। चलो तो सफाई का रखना आप लोगों ने विशेष ध्यान, औरों को भी बताना। ठीक है, औरों को भी बताना है इसके बारे में कि सफाई का आप लोगों ने ज्यादा ध्यान। अच्छा जी, कोई नहीं, बता देंगे। ठीक है, दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का संधोल आगमन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और आप सभी क्षेत्रवासियों से ये अपील करना चाहता हूं कि आप सभी भारी से भारी संख्या में संधोल के स्कूल मैदान में पहुंचकर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। धन्यवाद। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का 24 जनवरी को धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और उसी दिन प्रदेश के सिंचाई और जन स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय ठाकुर महेंद्र सिंह जी का जन्म दिवस भी है। इस पावन उपलक्ष्य के ऊपर मैं ठाकुर महेंद्र सिंह जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। 24 तारीख को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के धर्मपुर आगमन पर उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और साथ ही मैं उसी दिन प्रदेश में IPH मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह जी के जन्मदिन के ऊपर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी के धर्मपुर आगमन पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। वह सभी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ कि वो 24 जनवरी को धर्मपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री का स्वागत व अभिनंदन करें। धन्यवाद। प्रदेश के लोकप्रिय व यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय जयराम ठाकुर जी के 24 जनवरी को धर्मपुर आगमन पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ में सभी धर्मपुर वासियों से अपील करता हूं कि वे भारी से भारी संख्या में 24 जनवरी को सुबह 10 बजे धर्मपुर पहुँचने की कृपा करें। धन्यवाद। 24 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का धर्मपुर पधारने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं, और सभी धर्मपुर निवासियों से अपील करता हूं कि वो 24 जनवरी को सुबह 10 बजे धर्मपुर पहुंचकर उनका स्वागत करें।